दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि WhatsApp का लास्ट सीन कैसे हाइड किया जाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको फ़ोन चलाना पड़ता है और आपको उसमें WhatsApp भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आप कभी भी WhatsApp चलाते हैं तो आपके जो सर्कल के लोग होते हैं, फ्रेंड्स या फिर आपकी गर्लफ्रेंड्स या फिर और भी जो लोग होते हैं, आप उनको नहीं शो कराना चाहते कि आप WhatsApp पर ऑनलाइन हैं, तो उनको कैसे ऑफलाइन दिखा सकते हैं, यानी कि उनको पता ही ना लगे कि कब आप ऑफलाइन हैं WhatsApp पर और कब ऑनलाइन, तो किस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है, ठीक है। दोस्तों WhatsApp को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों अब आपको मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर देखिए प्राइवेसी का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर नोबडी कर रखा हुआ है और यहाँ पर सेम अस लास्ट सीन, ठीक है। यानी कि आप अगर नोबडी और सेम अस लास्ट सीन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑनलाइन है WhatsApp वो कभी भी नहीं दिखेगा। जो आपका लास्ट सीन होता है यानी कि कब आप WhatsApp को बंद कर रहे हैं, वो दूसरे के फ़ोन में दिख जाता है कि ऊपर टाइम दिख जाता है कि आपने कब WhatsApp को क्लोज़ किया है, ठीक है, यानी कि बंद किया है, तो सबको दिख जाता है। तो अगर आपका यहाँ पर एवरीवन यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर क्लिक रहता है और यहाँ पर क्लिक रहता है तो सभी को दिख जाएगा आपका जो WhatsApp का लास्ट सीन है। और आप यहाँ पर नोबडी पर करके रखेंगे और यहाँ पर सेम अस लास्ट सीन पर करके रखेंगे तो आपका जो WhatsApp का लास्ट सीन है वो किसी को भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन किसी को भी नहीं पता लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े ही आसानी के साथ में WhatsApp का लास्ट सीन हाइड कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।